हरिद्वार के शिवालिक नगर कॉलोनी के L15 क्लस्टर में स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, जिसमें से व्यापारी ने एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया। बाकी 5 बदमाश सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। ये घटना देख नागरिकों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं व्यापारियों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस भी उनसे सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा। तो दुकान पे सीधे साधे बैठे थे, 2 मोटरसाइकिल पे 6 जने थे, तीन तीन जने बैठे हुए थे गाड़ी पे, और उसके बाद उसमें से 3 जने एकदम गाड़ी के अंदर घुस गाड़ी पे से उतर के दुकान में घुसे और तीनों पे कट्टे थे। तीनों ने ताने हमारे पर, कहने लगे सामान भरो। मैंने उनको मुंह को देखा, मैंने कहा क्या हो रहा, तो मैं उनकी तरफ को देखने लगा। उन्होंने मेरे 1-2 मुक्के मारा और उसके बाद उन्होंने पिस्तल कट्टे तान रखे थे मेरे पे। तो मैं थोड़ा सा आने कानी सी कर रहा था, सोच रहा था कि भाई मैं क्या करूँ। तो इतनी देर में एक ने मेरे सिर में जो है बट मारी उसकी कट्टे की, और उसके बाद जो है बस मैं भरता मैंने सोचा थे तो सब हमारा सारा सामान ले ही जाएंगे। मैंने जो है उसका बस एकदम से जो है उस पर अटैक कर दिया। एक रात को घटना हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुआ था, और उसके तुरंत बाद जिसका जैसे ही खुलासा होता है दूसरे दिन ये घटना होती है। दिन दहाड़े ये घटना हुई है। ये तो मैं इस अपने अमन भाई की जो है बहुत बड़ी हिम्मत है, जो इन्होंने अपनी चोट को ना देखते हुए, हथियार को ना देखते हुए उस बदमाश पे हमला किया, जिसकी वजह से एक बदमाश पकड़ा गया। देखिए, इस बार जो घटना हुई है उसमें जो व्यापारी हैं उन्होंने साहस का परिचय दिया, उनको चोट भी आई उसके बावजूद भी एक बदमाश को पकड़ लिया है, और उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी बाकी भी बदमाश हैं उनको पकड़ा जाएगा।